स्वागत है आपका कूल फैन सत्ता का संग्राम में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और अपने चुनावी रथ को लिए हुए हम पहुंच गए हैं महाकाल नगरी उज्जैन में। इस वक्त मैं खड़ी हूं शिप्रा नदी के तट पर। कैमरामैन दिनेश से कहूंगी कि वो दिखाएं शिप्रा नदी के तट को, जहां पर श्रद्धालु देश भर से दुनिया भर से आते हैं यहां स्नान करने के लिए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अगर इस शिप्रा नदी को आप देखें तो यहां की सियासत की धुरी नदी की ये धारा बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी इतने समय तक रहते हुए भी अभी तक नदी को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकी है और नदी प्रदूषण को झेल रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से सीएम मोहन यादव, जो कि यही उनका गृह जिला है, उन्होंने इसमें डुबकी लगाई थी और ये उन्हें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार, उन्होंने यहाँ पर नदी में स्नान करके दिखाया था कि नदी कितनी गंदी है। और जब दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो ये बहुत ही मुख्य मुद्दा यहाँ बना हुआ है। बीजेपी कह रही है हमने महाकाल कॉरिडोर बनाया है, राम मंदिर का भी मुद्दा है और ये गढ़ भी रहा है बीजेपी का। लेकिन आपको बता दें कि ये SC रिजर्व्ड सीट है और यहाँ पर जहां बीजेपी की तरफ से अनिल फिरोजिया एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, वहीं महेश परमार, जिन्होंने इस नदी का मुद्दा पुरजोर तरीके से चुनाव में उठाया है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आइए जो यहां के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ज्यादातर लोग जो पूजा पाठ है उस काम में यहां पर हैं और यही घाट के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और खास तौर पे जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं उनके पास भी जाएंगे। स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा है उज्जैन का जो चुनावी माहौल है उसमें शिप्रा नदी की धारा जो है वही बह रही है, प्रदूषण का मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए शिप्रा नदी तो यहाँ की जीवनदायिनी है और शिप्रा नदी तो अपने आप में इतनी पवित्र है कि उसको कोई मेली नहीं कर सकता है ना। उसके जल से तो भगवान महाकाल का अभिषेक होता है। बीच में कुछ विसंगति हो जाती है, अभी उस दिन थोड़ा सा नाला भी फूट गया था, थोड़ी सी वो भी थी, परंतु उसको तुरंत साफ करवा दिया। और हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय मोहन यादव जी, वो स्वयं यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर सभी के सामने स्नान किया, शिप्रा जी का आचमन किया। तो ये मुद्दा तो है, परंतु यहाँ पर समय समय पर हर 15 दिन में जल स्वच्छ हो जाता है। आप देख रहे हैं दूर दूर से श्रद्धालु आकर के स्नान कर रहे हैं, कुछ नाले वगैरह यहाँ पर फूट जाते हैं बीच बीच में, तो उसको तुरंत रिपेयर करवा दिया जाता है। वो थोड़ी सी गंदगी रहती तो नगर निगम के माध्यम से उसको तुरंत साफ कर दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान है और इस ओर काम किया जा रहा है, आप बताइए आप यहाँ के निवासी हैं, जैसी होनी चाहिए शिप्रा नदी की धारा, क्या वैसी अविरल स्वच्छ ये धारा है? देखो शिप्रा नदी जो है पवित्र नदी है, परंतु किसी पार्टी का विजन इसके लिए नहीं है। अगर ये अभी जैसे कुछ महामंडलेश्वर संत कह रहे कि हमें सिंहस्थ का स्नान शिप्रा नदी में करना है, परंतु अभी इसमें शिप्रा नदी में नर्मदा का पानी आ रहा है। सिंहस्थ का स्नान शिप्रा के पानी से तभी हो सकता है जब सेवरखेड़ी डैम अगर बनाया जाए। सेवरखेड़ी डैम बनाने से उज्जैन की जल समस्या का भी निवारण हो जाएगा और शिप्रा नदी में 12 महीने पानी भी रहेगा, परंतु इस ओर किसी भी जन नेता का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही ये है कि समय समय पर नदी में जो है हमेशा कुछ ना कुछ नाले आ जाते हैं, जिसके कारण जो है यादव ने जो यहाँ डुबकी लगाई उसके क्या मायने हैं, क्या बताने के लिए वो यहाँ स्नान करने आए? देखो अब इसके लिए तो मोहन यादव जी से ही पूछना है, परंतु नदी में कई नाले मिल रहे हैं जो नदी को प्रदूषित तो कर रहे हैं और इस संबंध में अभी तक जितनी भी सरकारें रही उन्होंने कभी कोई काम नहीं कहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। कांग्रेस को तो यहाँ बहुत कम मौका मिला है, ज्यादा बीजेपी को ही मौका मिला है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? शिप्रा च सर्वदा पुण्य ब्रह्मत्योपहारणी अवंत्याम विशेष न शिप्रा च उत्तर वाहिनी। शिप्रा को लेकर के ये बात कही गई है कि यह माँ जो है ब्रह्म हत्या के दोष का भी यहाँ पर यदि किसी को लगती है और शिप्रा स्नान करे तो वह दोष से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज जो नदी की स्थिति है बद से बदतर स्थिति में माँ शिप्रा है। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो शिप्रा में जो पानी की स्थिति है, पिछले 10 साल के आंकड़े प्रदूषण बोर्ड के उठा लें अपन, उनका कहना है कि आचमन के योग पिछले 10 साल से कभी भी पानी नहीं रहा है। 2-4 मरतबा यदि पानी कहीं नर्मदा का डाल करके हमने बदला है उनको छोड़ दें तो हमेशा ही यहाँ की स्थिति खराब है। गंदे नालों का पानी निरंतर शिप्रा में मिल रहा है। अभी पिछले 1 महीने से
लगातार मछलियां यहां मर रही है। आज के समाचार पत्रों में भी जहां यहां से आगे बढ़कर बावन कुंड पर जो पंचकोशी यात्री स्नान कर रहे हैं वहां का दृश्य उन्होंने पेपरों में छापा है कि मछलियां मरी हुई है और पंचकोशी यात्री जो लगभग 1,00,000 लोग इस यात्रा पर निकले वो वही स्नान कर रहे हैं। यहां से 50 कदम दूर जाएं अपन तो जो छोटा पुल दिख रहा है यहाँ पर ढेरों मछलियां मरी हुई है। पर ये जो डुबकी पॉलिटिक्स चल रही है कि कभी कांग्रेस का नेता डुबकी लगाता है, कभी बीजेपी के नेता, बल्कि खुद मुख्यमंत्री डुबकी लगाते हैं, इस पर आम लोगों का क्या मानना है? ये नदी की स्थिति सबके बीच में है, 10-15-20 सालों की स्थिति सबके सामने आ गई है। अब डुबकी पॉलिटिक्स तो इसलिए है कि विपक्ष चाहता है कि जनता के बीच में ये चीज जाए कि शिप्रा की क्या स्थिति है, क्योंकि आस्था श्रद्धा और भाव सभी में, पानी कैसा भी रहे आदमी जब भाव लेके आता तो स्नान तो करता है, लेकिन मन में यहां से एक अच्छी धारणा लेकर के नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी डुबकी लगाई, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, उज्जैन का सौभाग्य है कि पहली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उज्जैन से 1973-74 के बाद बना है। आज मतलब लगभग 50 साल के बाद उज्जैन को अवसर फिर मिला है मुख्यमंत्री का। 50 साल पहले शिप्रा की दुर्दशा नहीं थी, पर आज जो दुर्दशा है तो मुख्यमंत्री के सामने एक चैलेंज है, वो इसको करके दिखाएं। डुबकी लगाने से कार्य नहीं चलेगा, आचमन करने से कार्य नहीं चलेगा, जनता को दिखाने के लिए यहाँ जितनी भी जनता अपन पूछ ले कोई भी आचमन की स्थिति में नहीं जा पा रहा है। हम बाटल भर के पानी यहाँ पीने की स्थिति में कोई भी नहीं है, तो इसको उस योग्य बना करके दे तो ही यहाँ की स्थिति सुधरेगी, अन्यथा नहीं हो सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।